हेलो माय डियर फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे पेस्ट्री। आप सब जानते हो मैं पेस्ट्री बनाकर नहीं रखती हूँ, मैं केक्स के ही ऑर्डर लेती हूँ। बट मेरे पास छोटे छोटे से बच्चे आए थे पेस्ट्री का ऑर्डर देने, तो आज मैं आपको पेस्ट्री बनाना बताऊंगी और मैंने इस पेस्ट्री को कितना चार्ज किया है पर पीसेस वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो भी हम केक का बैटर बनाते हैं, पेस्ट्री के लिए बैटर बनाते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम ओवन को रख देंगे प्री हीट होने के लिए और फिर हम प्रीमिक्स से बनाएंगे पेस्ट्री के लिए बैटर। सबसे अच्छी बात प्रीमिक्स की ये होती है ना कि यदि आपके पास कभी भी अर्जेंट ऑर्डर आ गया और यदि आपके पास प्रीमिक्स है तो आप कुछ ही घंटों में उस ऑर्डर को कंप्लीट कर सकते हो। बट यदि आप मैदे से जब केक बनाते हो तो आपको सारे इंग्रेडिएंट्स को ना मेज़र करके लेना पड़ता है, तभी वो केक परफेक्ट बेक होता है। तो वहाँ पर बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और मिल्क पाउडर, ऑयल, शुगर सब कुछ मेज़रमेंट के साथ लेना पड़ता है, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बट प्रीमिक्स में सब कुछ ऑलरेडी मेज़र होता है तो हम फटाफट से अपने ऑर्डर्स कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये पेस्ट्री भी ना मैंने ऐसे ही बहुत जल्दबाजी में बनाई थी ताकि बच्चों का मन ना टूटे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी हाफ के जी का और टू टीयर केक का ऑर्डर इसी दिन लगा हुआ था। बट बच्चे सुबह आकर बोलते हैं कि उन्हें पेस्ट्री चाहिए है और वो जिद कर रहे थे कि दीदी प्लीज़ बना दो ना, मैं शाम को पेस्ट्री दे देना और मुझे ना स्कूल लेकर जाना है, मुझे अपने फ्रेंड्स को खिलाना है, ऐसा करके ना वो लोग एकदम जिद करने लग गए थे। मैंने उन्हें कहा बच्चों आप कल ले लेना। बोले नहीं दीदी आप प्लीज़ शाम को दे दो, रात में दे दो, हम सुबह सुबह स्कूल चले जाएंगे, हम टिफ़िन लेकर आए थे, आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी खुशी हो रही थी ना मुझे। तो मैंने जल्दी जल्दी में ना बीच में टाइम निकाल कर इस पेस्ट्री को कंप्लीट किया था। और 6 बच्चे आए थे जिसमें से 3 अलग फ्लेवर कह रहे थे और 3 वेनिला फ्लेवर कह रहे थे। फिर सबने मिलकर कहा नहीं दीदी आप एक काम करो वेनिला फ्लेवर की पेस्ट्री बना दो। तो यहाँ पर मैंने 2 कप प्रीमिक्स लेके 8 इंच के स्क्वायर शेप के केक टिन पर ना इसे बेक किया है। और बेकिंग टाइम मैं आपको बता दूँ तो OTG पर मैंने इसे 30 मिनट के लिए लोअर रॉड ऑन करके 180 डिग्री पर बेक किया था। और यदि आप गैस पर बेक कर रहे हो तो आप कढ़ाई या किसी कुकर पर एक प्लेट को उल्टा करके रख दो, उसके ऊपर आप केक टिन रख दो और गैस पर आपको 40-50 मिनट्स भी लग सकते हैं। पर आप सब जानते हो अभी मेरे पास अगारो का OTG है और जब से मेरे पास OTG आया है ना तब से मुझे छोटे छोटे केक एक साथ में बेक कर लेती हूँ और साथ ही साथ ना मुझे बड़े केक बेक करने में ना बहुत हेल्प होने लगी है। क्योंकि जब मैं गैस पर केक बेक करती थी ना तो छोटे केक तो ठीक है आसानी से बेक कर लेती हूँ मैं, बट जब बड़े केक बेक करने होते थे तब इतना बड़ा कोई बर्तन नहीं होता था जिसके अंदर हमारा 8 इंच का केक टिन आ जाए। आप गैस पर भी बेक कर सकते हो, मैंने पहले किया है। बट होता क्या था कि बड़ी कढ़ाई पर जब हम बेक करते हैं ना, क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी गंजी पतीला या कुकर नहीं होता था जिसके अंदर हमारा केक टिन आ जाए, और गंजी पतीले के अंदर ना जब हम केक टिन डालते हैं तो उस पर केक जल्दी बेक होता है और कढ़ाई पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है केक बेक होने में। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप एक तवा रख लो, उसके ऊपर प्लेट को उल्टा करके रख दो और फिर उसके ऊपर अपना केक टिन रख के ऊपर से फिर कवर कर दो किसी बर्तन से। तो उसके लिए भी आपको एक बड़ा तवा चाहिए होगा, एक बड़ा बर्तन कवर करने के लिए चाहिए होगा। तो जब से OTG आया ना तो थोड़ा सा मुझे इजी हो गया अभी केक बेक करना। और यहाँ पर जो हमारा ये बेस है अभी ये एकदम ठंडा नहीं हुआ है, हल्का गर्म है, बट मैं इसका लेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा जल्दी थी और जल्दी इसे कंप्लीट करके रखना था। तो यहाँ पर मैंने इसे 3 लेयर भी कर दिया। बट आप हमेशा कोशिश करो कि जब आपका स्पॉन्ज एकदम ठंडा हो जाए उसके बाद ही आप उसकी लेयर करो ताकि फिर क्रम्स नहीं निकलते हैं। अभी मैंने लेयर को बढ़िया से शक्कर पानी से सोक कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं क्रीम की एक पतली सी लेयर लगाऊंगी और वेनिला की फिलिंग में ना मैं हमेशा व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड का यूज़ करती हूँ या फिर व्हाइट चोको चिप्स ही ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड को ना पील करके ऐड कर दूंगी। और चॉकलेट मैंने फ्रिज पर नहीं रखी थी, बाहर ही रखी थी, तो वो हल्की सी ना ऐसे बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सी। बस यही प्रोसेस आपको फिर सेकेंड लेयर पर भी करनी है। और मैं आप सबके लिए बहुत सारे ड्राई केक्स की रेसिपी भी लेकर आने वाली हूँ। मैदे से मैं आपको मैदे से चॉकलेट केक भी बनाना सिखाने वाली हूँ और भी बहुत सारी रेसिपीज जल्दी जल्दी आएंगी।
तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम कपकेक भी बनाने वाले हैं, बिस्किट से भी केक बनाने वाले हैं और चॉकोलावा केक भी बनाने वाले हैं। तो सबकी रेसिपी मैं आपको सिखाऊंगी। और प्रीमिक्स से तो मैंने आपको काफ़ी सारा केक बनाना सिखाया है, अभी हम मैदे से केक बनाएंगे, पिस्ता फ्लेवर, कस्टर्ड केक और स्लाइस केक जो होते हैं हमारे, ड्राई केक्स जो होते हैं, टी टाइम केक होते हैं, हम सब कुछ बनाने वाले हैं। आपके पास नहीं है प्रीमिक्स, आप बिस्किट से भी केक बना सकते हैं, सूजी से भी केक बना सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती है केक बनाने के लिए। तो हम सब कुछ ट्राई करेंगे, हम हर एक फ्लेवर का केक बनाएंगे और आपको भी सिखाएंगे, मैं भी कुछ सीखूंगी, आप भी कुछ सीखिएगा। मुझसे जो गलतियाँ होंगी मैं आपको बताऊंगी ताकि आपसे वो गलती ना हो, और बस हम अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते रहें, खाते रहें और सबको खिलाते रहें। तो यहाँ पर इसे मैंने बढ़िया से क्रीम से आइसिंग कर दिया है, और आप चाहें तो इसकी चारों साइड्स को ना ऐसे थोड़ा थोड़ा सा कट करके निकाल भी सकते हैं। मैंने शॉर्ट्स पर जब पेस्ट्री दिखाई थी ना, उस पर मैंने आपको कट करके भी दिखाया था, तो वहाँ पर ना वो थ्री लेयर्स बहुत प्यारी दिखती हैं फिर पेस्ट्री पर। तो यहाँ पर बट मैं कट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि क्या मतलब केक वेस्ट होगा, थोड़ा सा मैं निकाल दूँगी। और तो यहाँ पर मैं नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे बच्चों को ही देना है और उन्हें घर पर ही खाना है, टिफ़िन पर लेकर जाना है, तो मैं यहाँ पर कुछ भी कट नहीं कर रही हूँ। बट हाँ, यदि आप काउंटर पर रखने के लिए बना रहे हैं, आपकी कोई बेकरी है उसके लिए आप बना रहे हैं, तो फिर आप परफेक्ट फिनिशिंग के साथ आप उसकी चारों लेयर को कट कर दीजिए। और यहाँ पर मैंने इसे सिर्फ 6 पीसेस के लिए मार्क किया है, क्योंकि 6 बच्चे ही आए थे और सबके सब कह रहे थे दीदी प्लीज़ थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा पेस्ट्री का साइज़, मार्केट में बहुत छोटा सा साइज़ रहता है और बहुत महंगी पेस्ट्री रहती है, प्लीज़ आप थोड़ा बड़ा दे दीजिएगा, अपनी तरफ से बड़ा दे दीजिएगा, ऐसे करके ना वो लोग मेरे पीछे पड़ गए थे। तो मैंने ना इन्हें बड़ा बड़ा पीसेस कट किया है, सिर्फ 6 पीसेस। अब रही बात पेस्ट्री को मैंने कितना चार्ज किया, तो ये पेस्ट्री बच्चों के लिए थी, और बच्चे जब मेरे पास ऑर्डर देने आते हैं ना तो वो बस यही कहते दीदी हमने इतना जोड़ कर रखा है और हमें इतना केक बना कर दे दो, हमारे पास बस इतना ही है, 30 रुपये 40 रुपये, तो वो सब कह रहे थे दीदी 30-30 रुपये की ना हम सब के लिए पेस्ट्री बना दो। और इस पेस्ट्री से ना मैं और भी पीसेस निकाल सकती थी, बट मैंने इसे बड़ा बड़ा कट कर दिया और बस हो गया, बच्चों के लिए था तो पैसे मैटर नहीं करता, बस उनकी खुशी मैटर करती है, वो सब बहुत खुश हो गए और बस मुझे भी पेस्ट्री बनाने का मौका मिल गया, तो बस मैंने पेस्ट्री बनाई उन्हें दे दी। तो उस दिन मैं बहुत हड़बड़ी में थी, तो मैं बच्चों के साथ ना वीडियो नहीं निकाल पाई थी, अभी जब वो दोबारा कभी घर आएंगे ना तो उनके साथ मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी और उनका रिव्यू ज़रूर आप सबके साथ शेयर करूंगी कि उन्हें पेस्ट्री कैसी लगी। और यहाँ पर मैंने इसे 6 पीसेस कर दिए, और अभी आप मेरा बुद्धि देखिएगा, मैं बिना पेस्ट्री बेस प्लेट के ना डायरेक्ट उसे बॉक्स पर रख दे रही हूँ, इतनी जल्दबाजी में ऐसे उल्टी सीधे काम हो जाते हैं। तो आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाद में मैंने इसे पेस्ट्री बेस प्लेट पर रख दिया था। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए। मिलती हो फिर जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।